मैं लास्ट 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को तोड़ रहा हूँ एंड प्रोग्रेस कर रहा हूँ। बट ये प्रोग्रेस कुछ महीनों से रुक गया था बिकॉज ऑफ ट्रैवल, लाइफस्टाइल एंड अदर कमिटमेंट्स इन माई लाइफ। बट दैट्स नॉट हु आई एम। सो आई हैव गॉटन बैक व्हाट वाज मिसिंग फ्रॉम दीज पास्ट फ्यू मंथ्स, दैट इज डिसिप्लिन। दिस इज नॉट अ क्लिक, इट्स ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। ये एक जर्नी है जो कभी रुकेगी नहीं। एंड आई एम गोइंग टू शो अप टू द जिम 7 days अ वीक। देर विल बी नो रेस्ट डेज। आई थिंक रेस्ट डेज आर यूजलेस, यू शुड रेस्ट व्हेन यू डाई। मेरा दिन कैसा भी गया हो, कितना भी हेक्टिक रहा हो, आई मेक श्योर आई शो अप टू द जिम एंड डू व्हाट नीड्स टू बी डन, बिकॉज दैट्स व्हाट डिसिप्लिन इज। इन दिस सीरीज यू विल सी मी ट्रांसफॉर्म इनटू अ लीन मसल बिल्डिंग मशीन, एंड आप देखोगे अपनी बॉडी को कितने हद तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अगर आप अपना दिल और अपनी जान डाल दो उसमें। एंड फॉर दैट आई डोंट इवन हैव टू पुश माईसेल्फ टू द लिमिट्स, बिकॉज आई हैव नन। आई एम टफ इनफ। तो इसमें मेरा रूटीन रहने वाला है चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप्स एंड लेग्स। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप्स से। कार्डियो होगा सुबह, जो कि ये वीडियो में मैं नहीं बताने वाला, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्कआउट। सो आज की फर्स्ट एक्सरसाइज होगी शोल्डर प्रेस, एंड उसमें मैं ये मशीन यूज करने वाला हूँ। यूजुअली लोग डंबल्स के साथ करते हैं या रॉड के साथ करते हैं। मैंने लास्ट काफी टाइम से मशीन यूज करना स्टार्ट कर दिया जब से मुझे एक शोल्डर इंजरी हो गई है। अभी आई एम लाइक अभी पूरी 100% हील हो चुकी है, स्टिल मशीन मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है एंड आई एम एबल टू पुश मोर वेट्स। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 60 kgs, 30 ऑन ईच साइड, एंड उसके हम करेंगे 13 से 15 रेप्स। ऑल्सो मैं J9 बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगा हूँ, और उसका मेन रीज़न यही है कि जब भी आप कोई नए जिम में जाते हो एक अलग एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि हमारे पास दूसरे मशीन यूज़ करने का एक ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस मशीन, इसमें मुझे जो बेस्ट पार्ट लगता है वो ये है कि इसमें हम लोग केबल मशीन की तरह वेट्स ऐड नहीं करते हैं, यहाँ पे प्लेट्स ऐड करने का ऑप्शन है। सो मेंटली एक अलग हिट मिलता है उससे कि ज़्यादा वेट्स पुश कर पा रहे, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ट्रैक करना ईजी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो पोजीशन है वो बाय डिफॉल्ट एल्बोस हमारे आगे रहते हैं, एंड जब पुश करते हैं तब एल्बोस पीछे चले जाते हैं सर के। सो आई डोंट नो, शोल्डर पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है और इंजरी के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा कम है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई टॉप सेट, एंड इसमें मैंने वेट ऐड किया हुआ है 40 kgs ईच साइड, विच इज़ 80 kgs, एंड काफ़ी हैवी है। सो अगेन इसका मैं 6 to 8 रेप्स करूँगा। आई ट्राई फॉर 8, बट लेट्स सी। सेवेंथ वाले पर स्ट्रगल बहुत जरूरी है। ऑल्सो ओवर द ईयर्स मैंने लैटरल रेस के लिए भी मशीन यूज करना स्टार्ट कर दिया है। सो आइदर इट्स केबल मशीन या फिर ये मशीन, एंड मेनली इसका रीजन यही है कि मैं ज्यादा रेजिस्टेंस फील करता हूँ करते वक्त। सो या, और हम लोग आज स्टार्ट करने के लिए 10 kgs ऐड किया है इन द फर्स्ट सेट, जिसके हम करेंगे 15 रेप्स, एंड देन हम लोग और 10 ऐड करेंगे, एंड उसके करेंगे हम लोग 10 रेप्स। सो लेट्स गो। द बेस्ट पार्ट अबाउट यूजिंग दिस मशीन इंस्टेड ऑफ डम्बल्स इज दैट कि हम डम्बल्स में स्विंग कर सकते हैं बट मशीन में स्विंग नहीं कर सकते। सो अगर आप फेलियर तक जा रहे हो और एंड पे अगर आप 2-3 रेप इसमें पागलों की तरह पुश कर रहे हो, देन इट मीन्स दैट आप प्रॉपरली कर रहे हो, क्योंकि इसमें स्विंग करने का ऑप्शन है ही नहीं। एंड द अदर थिंग दैट मैंने रिसेंटली सीखी है वो ये है कि हमेशा रिट्रैक योर शोल्डर्स एंड देन पुश। Mm.
11 reps, not bad. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उन लोग को पता होगा मुझे एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा पसंद है. सो इसमें भी अगेन वेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. माइंड टू मसल कनेक्शन विद क्लीन रेपिटेशंस. मैं ग्रिप ऐसे नहीं रखता, मैं सुसाइड ग्रिप रखता हूँ इसमें, क्योंकि पुश करते समय रिस्ट का रोटेशन नहीं होता एंड ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन मुझे लॉन्ग हेड पे फील होता है इसकी वजह से. और इसके मैं सिर्फ दो ही सेट करने वाला हूँ. सो फर्स्ट सेट, लेट्स गो. सो ट्राइसेप की सेकेंड एक्सरसाइज में हम करेंगे ओवरहेड एक्सटेंशन एंड ये मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है. आई गेस मैं लास्ट 5-6 साल से जितने भी वेरिएशंस कर रहा हूँ ट्राइसेप्स के तो अल्टरनेट रखता हूँ, बट मैं ये हमेशा रखता हूँ मेरे रूटीन में. एंड रीजन बीइंग इसमें मैं ज़्यादा पुश कर पाता हूँ वेट एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि इसमें मुझे एक टेक्निक पता है जो शायद आपको भी हेल्प करेगी. सो ट्राई दिस. हमेशा एल्बोज क्लोज रख के पुश करना, ये हम सभी को पता है, बट काफ़ी लोग बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उनकी बॉडी पीछे चली जाती है. सो ऑलवेज कीप योर फीट लाइक दिस, सेकेंड लेग यहाँ पे टू कीप इट स्टेबल, देन ग्रैब द बार, एल्बोज क्लोज्ड एंड बेंड योर बॉडी एंड पुश द वेट. Try to keep your elbows close. जितना ज्यादा close रहेगा उतना ज्यादा long head पे हम लोग को extension feel होगा. सो डन विथ शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स एंड अब मैं करूँगा बाइसेप्स. आर्म्स मेरे काफ़ी वीक दिखते हैं मेनली बिकॉज ऑफ स्मॉल बाइसेप्स एंड इसमें जेनेटिक्स को मैं ब्लेम नहीं करूँगा, इट्स जस्ट दैट मैंने हमेशा से बाइसेप्स को बहुत कम ट्रेन किया है. मुझे बहुत बोरिंग फील होता था इन माई इनिशियल ईयर्स एंड उसके बाद भी मेरी एक्सरसाइज सिलेक्शन काफ़ी रॉन्ग रही है. सो अभी मेरा टारगेट है इस सीरीज में मैं एटलीस्ट मेरे आर्म्स की साइज 16.5 इंच बिल्ड करूँ, विच विल बी मेनली फ्रॉम माई बाइसेप्स ओनली. ट्राइसेप्स मेरे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेच्योर्ड है आई फील. अभी मैं प्रीचर कर्ल करने वाला हूँ एंड इसके हम करेंगे 2 सेट्स, 2 sets of 12 reps. तो आज की लास्ट एक्सरसाइज होगी हैमर कर्ल्स एंड अभी मैं आया हूँ ट्रेडमिल वाले सेक्शन में, क्योंकि डंबल रैक पे बहुत ज्यादा भीड़ है बिकॉज दिस इज पीक आवर्स का टाइम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो. हैवी जाता हूँ मैं हैमर कर्ल्स में काफी ज्यादा बिकॉज वॉल्यूम ऐड करना है एंड मेरी पोल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है. विदाउट स्विंगिंग स्ट्रिक्ट फॉर्म. Now single arm. Simon. One, two, three, four, last one. So last वाले में मैंने swing किया था, but ठीक है, partial reps भी count करते हैं. So overall I guess मैंने 10 reps किए,
दो रेप स्विंग के साथ किए, सो 8 स्ट्रिक्ट फॉर्म वाले थे विथ स्लो नेगेटिव्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबा देना। जिम में काफी ज्यादा लाउड नॉइस था इसलिए वहां पे मैंने आउटरो रिकॉर्ड नहीं किया, नीचे आके कर रहा हूँ। एंड आई सी यू सून विद अ बेटर वीडियो। तभी मैं मेरा मॉर्निंग का कार्डियो रूटीन भी बताऊंगा, कैसे मैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करता हूँ सुबह और थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग भी करता हूँ। सो प्रेस दैट बेल आइकन एंड आई सी यू।